भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद ते बसे पिंड मुरादवाला पोंगड़ दे विच पहुंचे विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना शुरू करवाई झोने की सीधी बिजाई। फाजिलका के विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना वालों लगातार पिंडां दा दौरा करके लोगों को झोने की सीधी बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने पिंड मुरादवाला पोंगड़ के पहुँच के झोने की सीधी बिजाई का काम शुरू करवाया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को जागरूकता संदेश भी दिता। उन्होंने कहा कि सरकार वालों मूंगी ते MSP लागू कर दिया गया। उन्होंने किसानों को मूंगी वध तो वध बीजन की सलाह दी है। इस दे नाल ही उन्होंने वालों झोने की सीधी बिजाई भी इस पिंड दे विच शुरू करवाई और किसानों को सीधी बिजाई करन दे लई प्रेरित भी किया गया। अज असी पहुंचे सीगे पिंड मुरादवाला पोमगढ़ विखे जो बॉर्डर दे बिल्कुल अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर दे बिल्कुल उपर यह पिंड वसदा है और पिंड दे खेतां दे विच आए सी जिथे अज पिंड दे विच किसानां वालों जिहड़ी सीधी बिजाई दी जिहड़ी शुरुआत अज उन्हां वालों करवाई गई है और असी अज सारे इत्थे विशेष तौर ते पहुंचे सीगे और मैं धन्नवादी हां जिहड़े किसान सीधी बिजाई इस बार झोने की कर रहे हैं क्योंकि सीधी बिजाई नाल जिहड़ा अपना पानी है जमीन का वह बचेगा और आने वाले समय के जे पानी बचेगा ता ही जे अगे फसल हो सकनगियां। और बेनती करांगा मैं सारे किसानों नूं मूंगी की भी जिहड़ी MSP पंजाब सरकार ने देण दा फैसला किया है उहो जिहे फसल आप बीजिए जिहदे नाल अपने धरती हेठले पानी नूं बचाया जा सके। मैं किसानों नूं बेनती करांगा जो भी किसान झोने की सीधी बिजाई करेगा उन्होंने प्रति एकड़ 1500 रुपए सरकार वालों उस किसान नूं दिता जाऊगा और बेनती करांगा वध तों वध आपां जिहड़ी है सीधी बिजाई करिए। अज पिंड मुरादवाला भोमगढ़ विखे मानयोग MLA हलका फाजिलका पहुंचे है जिथे किसानों वालों सीधी झोने की बिजाई का जिहड़ा काम शुरू किया गया तो किसानों का भी बहुत धन्यवाद MLA साहब का बहुत धन्यवाद। ये जो पानी की बहुत ज्यादा बचत होगी तो किसान भी बहुत ज्यादा लाभ होगा।